खबर चीन की उन चालबाजियों की जो उसके चेहरे से नकाब उतार रही है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दो दिन पहले कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, लेकिन इस बातचीत के खत्म होते ही चीन की असलियत सामने आ गई। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। बातचीत का नाटक करने वाले चीन ने पैंगोंग लेक के पास एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक लंबी दूरी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के जरिए एलएसी से 500 किलोमीटर के दायरे में टारगेट किया जा सकता है। यानी चीन सिर्फ दिखावे के लिए कमांडर लेवल टॉक का हिस्सा बना, असल में उसके इरादे कुछ और हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। एक तरफ तनाव घटाने की बात, दूसरी तरफ छिपकर खा। ड्रैगन ने फिर दिखाई पुरानी फितर। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें। एक बार फिर साबित हो गया है कि चीन पर भरोसा करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। जिस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान चीन की फौज पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे मिलिट्री ड्रिल्स की तैयारी कर रही थी। जैसे ही दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत खत्म हुई, चीन ने वॉर ड्रिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वॉर ड्रिल की तस्वीरें चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV पर चलने लगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी फौज ने पैंगोंग झील के पास मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PCL-191 का टेस्ट किया। PCL-191 के टेस्ट के लिए रणनीति के तहत हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके को चुना गया। लंबी दूरी के इस रॉकेट सिस्टम को चीन ने अक्टूबर 2019 में नेशनल डे परेड में पहली बार दुनिया के सामने रखा था। हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रायल से पहले हाल ही में PLA ने पश्चिमी चीन के रेगिस्तान में PCL-191 की टेस्टिंग भी की। PCL-191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कितना घातक है, इसे भी समझ लीजिए। चीन के मिलिट्री मामलों की मैगजीन मॉडर्न शिप्स के मुताबिक PCL-191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 370 mm यानी 14.5 इंच की 8 मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं। ये मिसाइलें 350 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके अलावा PCL-191 से 2 750 mm फायर ड्रैगन 480 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, जिनसे 500 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ऐसे वक्त जब भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल बातचीत चल रही थी, तो सवाल है चाइनीज फौज ने एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बॉर्डर पर टेस्ट क्यों? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टेस्ट का मकसद PLA की मारक क्षमता और जंगी तैयारी दिखाना है। बीजिंग में युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर चाउ चिनमिंग के मुताबिक PCL-191 से 500 किलोमीटर के दायरे में मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि चीन की एक हेली मशीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से 500 किलोमीटर के दायरे में अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये चीन की पुरानी आदत है, ड्रैगन इस तरह के हरकतों से भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें करता रहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरफा बदला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन जब भी ऐसी कोशिश करेगा, उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।